भगवान श्री चक्रधर स्वामी की औसा माता से संबंधित लीला नंबर 23 मराठी लीला उत्तराण 235 तथा सिंपे भोजन अपराधे दौड़ने यानी सिंपा यानी कपड़े सीने वाला उसको भोजन खिलाया तो उस अपराध की वजह से उसको एक दिन के लिए सजा दी, उसको निकाल दिया। एको दिशु गोस्वामी से उदयांचा पूजा अपशुरू झाल्या नंतर शरद ने म्हटले वानर्या तुमा अंगी शिव जावे असे। एक दिन स्वामी ने सुबह का पूजा अवसर होने के बाद कहा नागदेव तुम्हारे को अंगी शिव जावे असे अंगी सिलाने के लिए जाना है। बटी म्हटले जी मज आनी को ही काही व्यापारू असे। कहते हैं मेरे को और भी कुछ कार्य हैं। श्रद्धा मणितले तरी नायका ते न्या या ते तेत बैसवा मग तुम्ही या व्यापारासी जा। महाराज ने कहा आप नागदेव तुम नायका को अवसा को ले जाओ, इसको वहाँ बिठा दो दर्जी के पास सिंपी के पास, फिर तुम आओ और दूसरे काम के लिए चले जाओ। हो काजी मनोनी बट्टी परमाना लागोनी गोसावियाँ ची आंगी घेत ली। तो उन्होंने एक नाप के लिए माप के लिए भी अंगी ली स्वामी की और वस्त्र भी लिया। आउ चाल मी तूते तेथ बैसविन मी मागोता ये। अवसो कहते हैं अवसा चलो मैं आपको वहां पर बिठा दूंगा और मैं वापिस आ जाऊंगा। गोसावी बट्टा अवसा ते गोगर गावा अंगी सिवाव्या पाठी ले। महाराज ने नागदेवाचार्य जी को अंगी महाराज ने नागदेवाचार्य जी और अवसा को गोगर गांव 3 किलोमीटर है डोमे ग्राम से अंगी सिवाव्या पाठी ले अंगी सीने के लिए भेजा। बट्टो बस आनी अवसे घेरी। ये अंगी क्या होता है? अंगी होता है वस्त्र, तो उसमें बटन नहीं होते और बाजू एक्स्ट्रा नहीं होती और सिंपल कपड़ा होता है। हम लोग आश्रम में अंगी ही डालते हैं ज़्यादातर, इसमें बटन नहीं होंगे और ये जो एक्स्ट्रा है इसको कुर्ता बोलते हैं, ये नहीं होगा। हम अंगी भी डालते हैं और महात्मा लोग ज़्यादातर अंगी ही डालते हैं शुरू से आठ स्टेट स्वामी जी के कार्यकाल से ही स्वामी जी के समय से ही। बट्टोबास आनी अवसे घेली बट्टोबास और अवसा गए। बट्टी एको दामो सिवना वनी दिदला। बट्टोबाज ने एक दाम सीने का उसको स्टिचिंग चार्जेस दिए। अवसे तेत बैसविली अवसा को वहां बिठाया। बट्ट मागोते आले बट्टोबाज जी वापिस आ गए। सिंपे नी महितले अब वो दर्जी जो है कपड़े सीने वाला उसने कहा हा आउ जया पुरुषा ची आंगी ऐसी परिमल बहाल ते पुरुष कैसे अस्ति। अब जो अंगी माप के लिए लेकर गए थे वो दर्जी के हाथ में थी, उसने उस अंगी को हाथ में जब लिया तो अवसा माता से क्या कहता है जया पुरुषाची अंगी जिस पुरुष की अंगी ऐसी परिमल बहाल यानी इतनी सुगंध आ रही है इतनी अच्छी स्मेल आ रही है कि क्या बताऊं, तो वो पुरुष कैसे होंगे जिनकी अंगी ही इतनी परिमल हमें अच्छा फीलिंग दे रहा है। तिही मणितले तू आ नहीं देखी ले रे। अवसा कहती है अरे तूने देखा नहीं उस पुरुष को। तेने मणितले नहीं आओ मैंने नहीं देखा। अवसी मणितले तो माजा स्वामी जगन्नाथु बरवा असे रे। हे आंगी सीवी मग तुझ स्वामी जगन्नाथाचे दर्शन करो। अरे मेरे स्वामी जगन्नाथ बहुत सुंदर है रे, ये आंगी सीले फिर मैं तुझे लेकर जाऊंगी और उनके दर्शन करवाऊंगी। तेने मणितले हो का आओ ठीक है मैं जल्दी आंगी सीता हूँ फिर हम चलेंगे। मग तेने आंगी सीविली आला उसने आंगी सी और आ गया। तब गोसाविया सी दोपहर चा पूजा अवसर जाला आरोपना जाली। तब तक दोपहर हो गई थी, महाराज को दोपहर का पूजा अवसर हुआ था, भोजन हो चुका था। पहुड़ जाला उपहुड़ जाला यानी महाराज ने थोड़ी विश्रांति की और उठ के गए यानी लगभग 1:30-2 बजे का समय। गोसावी आंगना बीजे के लिए महाराज आंगन में थोड़ी देर के लिए गए। तब बट बाहिरला कडोनी आले तो बटोबास बाहर से आए। तेने आंगी बटा हाथी दिदली तो उस जो सिंपी था उसने वो अंगी जो थी बटोबास जी के हाथ में दी। अनि गोसाविया सी दंडवते गात ली और महाराज को दंडवत डाली। श्री चरणा लागला
मग गोसावी मड़ावरी भी के ले। तो उसने जो शिम्पी था उसने दर्शन किए, महाराज जो अंगी थी वो आचार्य के हाथ में दी, स्वामी को दंडोर डाले और श्री चरण को लगा। फिर महाराज अपने मठ की तरफ चले गए। मड़ावरी बीजे करिता भट्टी आंगी श्री करी और विधि। मठ की तरफ जाते हुए महाराज आचार्य जी ने वो अंगी जो थी महाराज के श्री करों में दी। औसे भीतरी गेली, अब औसा अंदर गई। तब उंच मड़ांतु कौन नेनो एका चा उपहारू आला असे। फिर उच्च मड़ में पता नहीं किसका एक का उपहार आया हुआ था। बाईसे कायस्या एक का व्यापारा बहरी गेली अस्ती, और बाईसा माता कहीं व्यापार पे गई होगी। औसी मणितले, औसा ने कहा जाए रे थाला घेवनी है। कहती है जा वो थाल उठा के ले आ। तो थाला घेवनी आला, वो थाल लेकर आया जो दर्जी था। त्यासी मांडे भातु सोनी घालिते अस्ति। अब उसने क्या किया, उसमें से मांडे और भात उठाकर उस दर्जी को औसा दे रही थी। तब बटोबा साले, तब तैसे देख ले। तो बटोबा जी आए और उसको वो मांडे और वो भात देते हुए देख लिया। बट्टी मणितले, हे काय करते सी आउए, बाईसे बिडारी नहीं। कहते हैं औसा ये क्या कर रही है, बाईसा यहाँ पर नहीं है। यासी मियाँ दामो शिवना वनी दिदला, माँ तू यासी अन्न का घाली तीसी। मैंने इसको सीने के एक दाम दिए हैं, तो इसको अन्न क्यों दे रही है। औसी मणितले, उगारे बा नागना चक्र स्वामी चेनी प्रसादे अपार से। तुझ ही पुरैल, मझ ही पुरैल, अनि यासी ही पुरैल, उगास। अब औसा शुरू हो गई, अपने तरीके में आ गई, प्रकृति में आ गई। कहती चुप कर रे, ज्यादा बोल मत, चक्रधर स्वामी की कृपा से बहुत कुछ है हमारे पास खाने के लिए। तेरे को भी पूरा हो जाएगा, मुझे भी पूरा हो जाएगा, और ये भी खा लेगा, तू चुप करके बैठ जा आराम से। मग बटोबास मड़ावरी गेले। अब बटोबास जी मठ की तरफ गए। जी जी, अब महाराज को कह रहे हैं, जी जी देख ले कि ये आउए चे। आपने सौसा को देखा, मियाँ शिवना बनी एकू दामो दिदला, मैंने सीने के लिए उसको एक दाम दिया। बाईसे बिडारी नहीं, बाईसा यहाँ पर नहीं है। कि त्यासी अवगे उन उपसोनी घात ले, और उसने सारा अन्न जो है उठाकर इसको दे दिया, दर्जी को दे दिया। अनि ऐसी चीज ही है आऊ, और ऐसी है या उषा महाराज, काली मियाँ गोसाविया चे उपानो लागोनी, आड़ा चे लोनी आनविले, ते पाइक्या चे आनिले, रुआ चे दूध आनविले, ते आड़ा चे आनिले, आड़ा भरिया आपुला खांडोवा दुविला, तया अन्न घातले, ऐसी है आउजी। कल मैं महाराज के लिए वो लोनी लेकर आया आड़ का, ते पैसे का लेकर आया मैं, एक रुआ का दूध लेकर आया, और आड़ा भरकर अपना खांडोवा धोया, और उसको इसने भी रोटी दे दी। ये कुछ भी करती है, खाना उठाती है, किसी को भी बांट देती है मठ का आश्रम का। ऐसी है आऊ जी, ऐसी ये औसा है। तब औसी लव लवोनी आइको आली, अब के आइकले आनी तमली। तब औसा जब आचार्य जी ने उसको रोका और उनकी मठ से वो रायमठ की तरफ आ गए थे, तो औसा भी पीछे पीछे आ गई कि ये मेरे महाराज को मेरी शिकायत लगाएगा, वो सुनने के लिए आई। अब के आइकले आनी तमली, उसने सब बात सुनी और उसको गुस्सा आ गया। मग मणितले, फिर कहा चक्र स्वामी चेनी प्रसादे नाही कोना चा पाड़ू, चक्री पड़ रे नाग दया, सड़ी पड़ रे नाग दया, आड़ी पड़ रे दुकली आलक्या, मज एक चक्र स्वामी वांचोनी, कवना चाड़ना ही कोना चा पाड़ना ही। अब गुस्सा आ गया उसको, ये मेरी शिकायत लगा रहा है महाराज को, मैंने क्या गलत किया। कहती है चक्रधर स्वामी के बिना मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। चक्री पड़ रे नाग दया, चक्कर खा के गिर नाग देव, चक्कर में पड़ जा। सड़ी पड़ रे नाग दया, सड़ी पर गिर जा। आड़ी पड़ रे, ऐसे गिर नाग देव। मज एक चक्र स्वामी वांचोनी, कवना चढ़ नहीं, मेरे को एक चक्रधर स्वामी बिना किसी की कोई इच्छा नहीं है। तुम जाओ सब भाड़ में, मुझे सिर्फ चक्रधर स्वामी चाहिए, तुम तो मेरी शिकायतें लगाते हो। नायका
कोना चा पाड़ नहीं, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, तेरे से नहीं डरती, मैं सिर्फ चक्रधर स्वामी जी से डरती हूँ, इनकी बात सुनती हूँ, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे नहीं आई, मैं चक्रधर स्वामी जी के लिए आई हुई हूँ इनके पास। ते गोसावी आई किले। अब महाराज ने सब बातें सुनी आनी महितले और कहा, वानरिया नायका ते पैलाड़ी घाला, इस नायका को नदी के, गोदावरी नदी के उस पार छोड़ कर आओ। आनी भट्टी तीये ते गचिये धरी ले, महाराज ने उसको आचार्य ने उसको दिच्ची से पकड़ा गर्दन से, चाल भी ली और उसको धक्का मार के लेके गए। पैर ठावो वेरी नीली और थोड़ा दूर लेके गए, राजमठ से ले जाकर उसको गोदावरी नदी तक लेके गए। आनी तीये काकुलती आली और उसको थोड़ा सा लगा, विनंती करने लगी औसा आचार्य जी से, कैसिया रे बा नागना पैलाड़ी घाली सी, मैं तुझ आपले वाटे बहिर्वासु परिवंटी चा खंडोवा देन, मैं ची चक्री पड़ैन रे नको रे बा नागना माते पैलाड़ी घालो। कहती है, अरे नागदेव मुझे सामने नदी के उस पार मत छोड़कर आ, मैं तेरे को अपने हिस्से का बहिर्वास परवंटी चा खंडोबा दू, मेरे पास जो धोती है ना वो मैं तेरे को दे दूंगी, और परवंटी चा खंडोबा जो कोई है लेने वाला परना वगैरह वो भी मैं तेरे को दे दूंगी, मैं ही चक्कर में पड़ूंगी, तू मत पड़, मैंने तुझे इतनी गालियां दी, गलती होगी, तेरे को नहीं कह रही, मैं खुद को ही अब कहती हूँ, मैं ही चक्कर में पड़ जाऊं। नको रे बा नागना माते पैलाड़ी घालू, नागदे मुझे सामने नदी के उस पार मत छोड़ के आओ। बट्टी मणितले आवे आता ची तब जाए मग उदी आ जाए। अब नागदेवाचार्य जी भी थोड़ा सा नम्र हो गए, कहते ना औसा अभी चली जा, सुबह वापिस आ जाए, अभी तू रहने दे, मैं तेरी शिकायत लगाई चल कोई नहीं, पर तू सुनती नहीं है ना, क्या करें, अब महाराज आश्रम का अन्न है तो ऐसे किसी को खिलाती है बांट देती है, ये अच्छी बात नहीं है, हम भिक्षा में मांग कर लाते हैं, ऐसे किसी को भोजन नहीं खिलाना चाहिए बार बार, हमने पैसे दे दिए बात हो गई, तू कल भी ये करती रोज रोज यही काम करती है, देखो कितनी बार मना किया, ठीक है आज चली जा कल सुबह आ जाए कोई नहीं। औसी मणितले हो का रे बा नागना, अच्छा मैं सुबह आ जाऊँ, ठीक है मैं सुबह आ जाऊँगी अभी चली जाती हूँ। उससे कहा चलो नागदेव को थोड़ा सा मस्का वस्का लगा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है किया उस बेचारी ने। मग देई गावा गेली, फिर वो नदी के उस पार देई गांव में चली गई। चारी पहाड़ दुख करते होती, चार प्रहर यानी शाम से लेकर सुबह तक चार प्रहर वो दुख करती रही कि मैं ये गलतियां क्यों करती हूँ जिससे चक्रधर स्वामी महाराज उदास हो जाते हैं। अब उसने ये थोड़ी कहा मैं सुबह चली जाऊंगी, मुझे दुख करने की जरूरत क्या है। देखो बात समझने वाली है, हमें कोई ऐसे करते हैं हम तो ठीक है सुबह आ जाएंगे, हमें दुख करने की क्या जरूरत है। महाराज ने कहा इसको नदी के उस पार छोड़कर आओ, आचार्य जी ने उनकी आज्ञा पालन किया, फिर उसका काकुलती यानी उसको थोड़ी दया भी आई आचार्य जी को, चलो कोई नहीं इंसान गलती करता है, मनुष्य गलती करता है, जीव गलती करता है, कहते हैं औसा अभी चली जा सुबह वापस आ जाए, उसको सांत्वना भी दे दी, चल थोड़े दिन के लिए चली जा फिर वापस आ जाए। अब वो चार प्रहर देई गांव चिन्हस्थली की उस तरफ है नदी के पार, वहाँ रही रात भर और रारी रात दुख करती रही। उदयांची सिंदोले गवनी चा पानी वथा अपने आते उतर मिले, सुबह सुबह सिंदोले गवहान का जो रास्ता था, सिंदोले गवान जगह है वहाँ थोड़ा सा नदी कम गहरी है, अपने आते उतर मिले यानी उस रास्ते से वो आई। मग डोंबे ग्रामा सी आली, फिर वो डोंबे ग्राम में आई। वो साविया सी दंडवते घातली श्री चरणा लागली, श्री चक्रधर महाराज को उसने दंडवते की श्री चरणों में लगी। जी जी स्वामी जगन्नाथा, बापुड़ा नायकू के ही पाठवा वा ना जी, बापुड़ा थोर दुखिया हो तू असे जी, जी जी बापुड़े असो ना सके जी। कहती है स्वामी जगन्नाथा, इस बेचारी नायिका को कहीं पर भी भेजा मत करो जी, बापुड़ा थोर दुखिया हो तू असे जी, ये बेचारा नायिका आपका नायक बहुत दुखी हो जाता है आप जब इसको भेज देते हो। जी जी बापड़े असो ना सके जी, मैं बेचारी आपके बिना रह नहीं सकती, आप मुझे मत भेजा करो कहीं पर। शरद ने मणितले, अब स्वामी ने कहा, एथ ना पुसत ना कीजे की, मारे से पूछे बिना कुछ भी तूने करना नहीं है,
तू खुद ही उठा के कुछ भी करती है, आश्रम की व्यवस्था खराब करती है, तुम क्या करें? बाकी वो भी हमें जवाब देना पड़ता है कि आज तू करेगी व्यवस्था खराब, कल को दूसरा करेगा, परसों तीसरा करेगा, फिर हम किस किस का लिहाज करेंगे, हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तू एत ना पुस्तक, हमारे पास रहना है तो हमारे से पूछे बिना कुछ नहीं करना। एक ही चा व्यापारू तो एत पुसो कीजिए की नायका, हमारा जो व्यापार है हमारे संबंधित हमारे आश्रम का हमारे आजू बाजू का जो व्यापार है वो तो हमारे से पूछ पूछ कर करना है, अपने मन से अपने हिसाब से नहीं करना। एथो नहीं पाठ लीजिए ना परी ना पुछते जाल ना पुछते नको जावो, हम तुम्हारे को नहीं भेजेंगे परंतु तू भी एक प्रॉमिस कर, ना पुछते जाल ना पुछते नको जावो, ना पूछे बिना तू नहीं जाएगी, ठीक है हम भी नहीं भेजेंगे लेकिन तू भी प्रॉमिस कर कि हमसे पूछे बिना नहीं जाएगी कहीं पे भी। पीछे चली गई थी ना, 6 महीने लगा के आई थी, तब क्या हुआ था, हमसे पूछ के गई थी क्या? तो वही बात महाराज आज बोल रहे हैं कि हम तुझे नहीं भेजेंगे परंतु एक प्रॉमिस तू भी कर कि हमसे पूछे बिना तू कहीं नहीं जाएगी, ना पूछते नको जावो, बिना पूछे तू कहीं नहीं जाएगी। भगवान से जी जी अच्छा महाराज प्रॉमिस करती हूँ मैं आपसे पूछे बिना कहीं नहीं जाऊँगी। मनोनी श्री चरणा लाग ली, तो महाराज के श्री चरणों को उसने नमस्कार किया। दंडवत हो, लीला क्रमांक 235 यहाँ संपूर्ण होती है। श्री चक्रधर स्वामी की जय।